हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है शादी वाला दिन और हम लोग पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। आज है निशांत और आशु की शादी। बारात वैसे अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम यहाँ पहुंच गए हैं। हैं तो हम भी बाराती, लेकिन छोटे बच्चों की वजह से हम लोग डायरेक्ट हॉल में ही एंट्री हमने ली, बारात के साथ शामिल नहीं हुए। और बाकी लोग बारात में गए हैं। जो लोग बारात के साथ शामिल नहीं हो सकते थे, वो आप देख सकते हैं कि यहीं पे बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और मैं उनके साथ वीडियो बना रही हूँ। म्यूजिक सुन के केली को डांस करना था, तो मैं उसे डांस फ्लोर पे ले आई और वो खुश है, इन्जॉय कर रही है। अनी परेशान है क्योंकि वो अकेला फील कर रहा है। पापा उसके बारात में गए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे वगैरह भी यहाँ पे अभी नहीं हैं, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। जो जानने वाले मिल रहे हैं उनसे बातें भी हो रही हैं और थोड़ी थोड़ी मंचिंग भी हो रही है सबकी। नानू खाने का ध्यान रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बड़े छोटे सबसे पहले उनका ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है। तो वो अब ही लेके आए हैं पाव भाजी। इधर केली अपने धुन में मस्त है, अकेले ही इंजॉय कर रही है। पीछे नानी उसे देख रही है, वो भी उसको ध्यान नहीं है। बारात आ गई है इसलिए हॉल अब भरा भरा सा दिखाई देने लगा है और अपने परिचित चेहरे, अपने फैमिली मेम्बर्स भी दिखने लगे हैं। तो इधर छोटे भैया, भाभी और उनकी बहन भी आ गई है। भैया को पता है कि ये अपने ऑरेंजी बुलबुले चैनल के लिए व्लॉगिंग करती रहती है। इधर सभी लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। दीदी का बेटा, दीदी भी आ गई हैं और ये चाची जी की फ्रेंड हैं। ये हम लोगों को जब हम लोग बहुत छोटे थे तब से जानती हैं। इधर केली अपने पापा के साथ गई हुई थी स्नैक्स लेने, तो केली से रीत का मिलना अब हो रहा है। रीत को बहुत अच्छा लगता है कि उससे भी छोटा कोई, छोटी कोई बेबी है, और उसको बस ये रहता है कि मैं ये से गोद में ले लूँ, ये मुझे मेरी गोद में आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन केली किसी की गोद में नहीं जाती। स्टेज अभी खाली था तो केली और रीत को मैंने बिठा दिया यहाँ सोफे पे, और अब हो गई है दूल्हे राजा की एंट्री। तो पीछे ढोल दगाड़ों की आवाज़ आ रही है और ये है बनी, सबसे बड़े भैया भाभी का बेटा। तो मतलब अब सारे लोग आ ही गए हैं अंदर। रीत और बनी की खूब जमती है। चलिए अब देख लेते हैं, दूल्हे राजा ने एंट्री ले ली है और बीच बीच में रुक के फ़ोटोशूट तो चलता ही रहेगा, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इधर आ गए हैं बड़े वाले फूफा जी, पापा और भैया वगैरह, सब कोई यहाँ पे दिख रहा है। इधर मामा भी दिख रहे हैं, निशांत के मामा और उसका कज़न। जब आपकी फैमिली में सभी वर्किंग हो ना, छोटे बड़े सारे, और दूर दूर अलग अलग शहरों में रहते हो, तो यही कुछ ओकेजन्स होते हैं जब आपकी पूरी फैमिली, सब लोग मिल लेते हैं। तो ये वही ओकेजन है जब आज सबसे मिलना हो रहा है और सबको एक दूसरे से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। सब आपस में एक दूसरे के जितने भी गिले शिकवे होते हैं सब भूल जाते हैं और ऐसे में बहुत ही प्यार से सबसे एक दूसरे से मिलते हैं। तो इधर बड़ी भाभी भी आ गई हैं और बड़ी वाली चाची जी के बच्चे भी आ गए हैं, उनकी बेटियां और बेटे सब आ गए हैं। और इधर हैं बड़े भैया और ये फैमिली मेंबर्स तो हैं, SBI वाले भी हैं। परेशान से क्यों है? अरे तो मांटो में सोची ये फोन लेंगे। मांटो है। चलती मैं
डांस का बहुत शौक है और उसने बहुत देर तक डांस किया होगा। सबको लग रहा था कि वो थक जाएगी, लेकिन वो अपने आप ही डांस किए जा रही थी। उसको मज़ा आ रहा था डांस करने में और हम सब ने मिल के डांस किया थोड़ा थोड़ा। और इधर मांटो का बेटा भी आ गया है। हल्दी में तो इसने खूब डांस किया था, पर यहाँ पर इसको कुछ खास मज़ा नहीं आया शायद डांस करने में, तो इसलिए इसने ज़्यादा डांस नहीं किया, क्योंकि यहाँ फ्लोर ऑलरेडी फुल था। बच्चा कोई भी हो अपनी कंपनी ढूंढी लेते हैं और आपस में इंजॉय भी करते हैं, सब अपने आप में मस्त हैं। और इधर दादी बुआ भी आ गई हैं डांस फ्लोर पे थोड़े से ठुमके लगाने। इधर दूल्हे राजा स्टेज पे अकेले हैं और उनके साथ चल रही है फोटोग्राफी, और यहाँ डांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लुट गया मैं थोड़ी तेरे प्यार में, मार ना दे मैनू इंतजार में। उसके बाद हुई थोड़ी फोटोग्राफी और फिर हम लोग को बोला गया कि खाना खा लो, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए खाने के लिए। जब देखा तो वहाँ हमसे पहले और भी लोग पहुंचे हुए थे। अच्छा जी, धीरे धीरे बैठ भी गए। तेरा क्या प्लेट? पापा हम लोग खा चुके हैं बस। जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि हम लोगों को ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही थी कि दुल्हन की एंट्री होने वाली है। लोग लाइन में खड़े हो गए हैं और दुल्हन की एंट्री का वेट कर रहे हैं। इस दिन दूल्हा दुल्हन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। और इधर बैठी है परी बनके दूल्हे की बहना और साथ में है दूल्हे की मम्मा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि घर के जो बड़े लोग हैं वो कितने इत्मीनान से बैठे हैं कि जब दुल्हन इधर आएगी तो उसका तो चेहरा दिखेगा ही। दूल्हा अपनी दुल्हन को स्टेज तक लेके आ गया। जितने भी फॉर्मेलिटीज़ थी, फोटोग्राफर्स की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ये करो वो करो, उसको पूरी करते हुए आखिर स्टेज तक पहुँच ही गए। फोटोग्राफर्स ने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ रखा था कि कोई और भी वीडियो या फोटो वगैरह क्लिक करे। मुझे भी वीडियो बनानी ही थी तो मैं पीछे कैसे रह सकती थी, मैं भी उनके साथ साथ ही लगी हुई थी, तभी वीडियोस वगैरह मैं बना पाई, नहीं तो साइड से कुछ अच्छी वीडियो वगैरह नहीं बन पाती है। Oh, my God.
जयमाला हुई संपन्न, और आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कपल को, वो ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते गाते नाचते रहें। और शादी पार्ट वन व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, पार्ट टू जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।